सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम घोषणा पर उत्सुकता बढ़ी विशेषकर सरकारी कर्मचारी मध्य अधिक जानवाक आग्रह बढ़ी 25 वर्ष चाकरी करते ही पेंशन स्कीम लागू हो 2025 एप्रिल 1 रु योजना लागू हो तेरे यूनिफाइड पेंशन योजना आसवा पर कि केन्द्र सरकारी कर्मचारी मध्य असंतोष देखा मिली तो गुरुत्वपूर्ण कथा है जो मैंने 2004 रु 2025 मार्च मध्य अवसर नहीं पेंशन योजनार लाभ पाई यह व्यतीत से सुध सहित तो बकेया अर्थ मध्य पाइबे तो किसी तथ्य रही नजर पकाइबा जे किए पाइबे केते पेंशन अवसर पर कर्मचारी को निश्चित पेंशन जोगाइबा को लक्ष्य रखी केन्द्र सरकार अति कम रे 25 वर्ष धरी चाकरी करथिले मिलिबो एही पेंशन तेबे 12 मास रे कर्मचारी जो बेसिक दरमा पाइथिबे तार 50% पेंशन आकार रे सेमानकु मिलिबो सेहीपरि जदि कर्मचारी मृत्यु हो जाए तांको परिवार को भी पेंशन मिलिबो कर्मचारी जो पेंशन पाई थांते परिवार लोक से ही पेंशन रो 60% पाइबे मिनिमम आस्योर्ड पेंशन रो भी स्कीम रही केवल एतिक नुहे एथिरे अति कम रे 10 वर्ष चाकरी करथिले अति कम रे 10,000 टंका पेंशन मध्य मिलिबो सेहीपरि यूनिफाइड पेंशन स्कीम रे प्राय 23 लक्ष सरकारी कर्मचारी लाभ पाई लाभ उठाई पारे धरतु आम जदि देखा जड़े सरकारी कर्मचारी दरमा हरारी 50,000 टंका ताहले से 12 मास भितरे पाई दरमार हरारी परिमाण हो 50,000 टंका से नुआ पेंशन स्कीम अनुसार अवसर पर 25,000 टंका पेंशन मिलबर महंगा भत्ता अतिरिक्त भाव जोड़ा जीव सही जड़े कर्मचारी पेंशन 30,000 रुहे आउर मृत्यु हो जाए तो से क्षेत्र में कौन ना परिवार लोक 18,000 टंका पेंशन पाइबे तो ये हूँ यूनिफाइड पेंशन रे सरकार किछिटा परिवर्तन करिछंती पूर्वरु न्यू पेंशन स्कीम मध्य थिला आ जो थे कर्मचारी माने कहते कि परिवर्तन करने तो ये संपर्क में आम आलोचना करवा आम सहित सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट रही सुधांशु प्रधान श्रुत प्रधान आपंक स्वागत कनक न्यूज को तो गत काली केन्द्र कैबिनेट रे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिली तो ये पेंशन योजना आप देखु आउ गोटे न्यू पेंशन योजना NPS तो ओल्ड पेंशन योजना मध्य रोचे तो ये तीनोटी पेंशन स्कीम को नहीं आप कौन कहे ओएसिस फर्टिलिटी व्यक्तिगत एवं विज्ञान भित्तिक चिकित्सा सहित आपणकर सुस्थ शिशु को 69% सफलता हार रे रखंतु देखंतु जो सेंट्रल गवर्नमेंट काली गोटे यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करिसंती या द्वारा पाखा पाखी आपण जेंति कहुतले 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी उपकृत हेबे जदि एटा को स्टेट गवर्नमेंट मानक पाखरे भी ऑप्शन दिया हिची जदि स्टेट गवर्नमेंट मानकर कर्मचारी भी एतरे जोडी होंती पाखा पाखी प्राय 95 लाख कर्मचारी एही पेंशन स्कीम जोगु उपकृत हेबे वर्तमान कथा होची जे ए जो स्कीम टा नुआ आसीची ए स्कीम टा आफ्टर डिस्कशन विथ वेरियस लेवल मीटिंग स्टेक होल्डर RBI वर्ल्ड बैंक इमानको संगरे प्राय 100 थरो डिस्कशन मीटिंग कॉन्फ्रेंस ए सब जिनस ऑर्गेनाइज कला पर ही ए स्कीम टा को लॉन्च कराई छि इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफिकल्टीज व्हिच हैज बीन फेस्ड इन द ओल्डर स्कीम जोड़ा सब ओल्ड स्कीम रे जोड़ा सब डिफिकल्टीज थिला नेशनल पेंशन स्कीम रे किछि डिफिकल्टीज थिला ताकु ओवरकम करबा पई तार किसी मॉडल लानिकरी ए सब यूनिफाइड पेंशन स्कीम रे सेंट्रल गवर्नमेंट जोड़ी छ श्रुत प्रधान ए नेशनल पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम भितरे कोन परिवर्तन कोन होई छ आ भितरे कोन चेंजेस जा कहुतले जे आपण किसी डिफिकल्टी थिला जोटा की परिवर्तन करा जाई छ देखो तो जेमति आपण माने मते आनिबा पूर्वर कहुतले जे वर्तमान मेन यूनिफाइड पेंशन स्कीम रे वार्षिक जो हमरो 10,000 टका लेखा पेंशन मिनिमम करा जाई छ जदि गोटे लोक 10 वर्ष काल तार सर्विस पीरियड नहीं सारी तार एलिजिबल पेंशन स्कीम मिनिमम है 10,000 टापर ये जो फैमिली पेंशन मैं आफ्टर द डेथ ऑफ वन एम्प्लॉय जो तार जो स्पाउस हूँ तार जो लीगल हायर हूँ तार जो डिपेंडेंट हूँ से जो पाते तार 60% बर्तमान कर 60% पेंशन एलिजिबल रही तो धरी नियंतु जनक दरमा जदि 50,000 टंका रहुची तो 25 वर्ष पूरा करुछंती चाकरी काल तो तांकु केते मिलिबो जदि जने 10 वर्ष पूरा करुछी तांकु केते मिलिबो आ 25 वर्ष रु जे कम चाकरी काल जार रहुछी तो तांकु केते मिलिबो देखो ए सब जिनसर जो आपण जेमति पचारले
दरमा 50,000 टंका ता देहरे आमको जीवाक पड़ो ता भितर तांकर बेसिक केते डीए केते अदर अलाउंसेस केते कारण पेंशन वर्तमान कैलकुलेशन हम बेसिक पे उपर आपण जो लास्ट 12 मास जो बेसिक पे पाउथले जेमती प्रथम स्कीम रे 50% आपण कहउछन्ति जदि 25 वर्ष गोटे लोक मिनिमम जॉब करिछन्ति ताले से जो लास्ट ड्रोन सैलरी पाउछन्ति लास्ट 12 मास रो तार बेसिक अमाउंट केते से बेसिक अमाउंट रो 50% माने पाइबे अलोंग विथ द डीएरएनस अलाउंस जोटा को इन्फ्लेटरी इंडेक्स थिला तार उपर कैलकुलेशन करा जिवो तेणुक जदि दरमा 50,000 टका तबने तो दादा रे बेसिक केला 20,000 टका तो बेसिक 20,000 टका होला तार 50% से माने 10,000 टका प्रथम पेंशन पाइबे तेणु तांकर बेसिक 20,000 टका डीए होची ता संगरे 10,000 टका बा अदर अलाउंस कोन कर 20,000 ताले ए जो कैलकुलेशन करा जिवो एटा बेसिक प्लस डीए सेतबलर पीरियड देखिकरी से अनुसार ही कैलकुलेशन करा जिवो तो ये आपण गोटे हिसाब दउथिले अनुमानिक हिसाब जे धरि नियंतु जदि 50,000 जणे पाउची धर बेसिक सैलरी एते रहउची त से पेंशन केते पाइबो आउ गोटे कथा मे जानबे पई चाहौचु जे किछि कर्मचारी को मधेरे दाबी जोर धरिलानी जे आमुकु से ओल्ड पेंशन दरकार आपण देखंतु मझिरे एनपी न्यू पेंशन स्कीम आस्तला एबे यूनिफाइड पेंशन स्कीम त समस्या कोन होउची कर्मचारी मानकु समस्या देखंतु मैडम ए जो समस्या गुडा आसुची कहार को रिस्क कैपिटाइट के नै पियो धरतु मुझ गोटे बर्तमान एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट रुचे यहाँ मोर जो कंट्रीब्यूशन रोचे बर्तमान एम्प्लॉयर रो जो कंट्रीब्यूशन रोचे मोर पेंशन स्कीम से कंट्रीब्यूशन स्कीम रईसा टाइम मार्केट लिंक रे किसी इनवेस्टमेंट होने से रिस्क टाक नौ कल डेट रे मार्केट ड्रिविन जो इनवेस्टमेंट रहा बढ़ी पारे कमी भी पारे तेणुक मुझे से मार्केट ड्रिविन इंस्ट्रूमेंट को प्रिफर करुच्चीएनपीएस जाऊँगी कौन हम मोर रिटर्न टा निश्चित अधिकार है कारण जो रिस्क रहा रिटर्न टा रही जदि ओल्ड स्कीम को आपण जिबे सेटा गोटे ट्रेडिशनल स्कीम तादरे आपण को रिस्क रहिबनि किंतु आपण को गोटे फिक्स्ड इनकम जनको जेंदी बैंक रे आपण फिक्स्ड डिपॉजिट रखुछथि वर्ष वार्षिक 6% 7% 8% जेंदी सुध पाउछथि सेमदी ओल्ड स्कीम रे आपण कोनसी प्रकार रिस्क नै आपण को जहाँ कंट्रीब्यूशन रहला से कंट्रीब्यूशन रो डिपॉजिट ऊपर आपण फिक्स्ड इनकम हिसाब रे पाइब तो रिस्क न नवा पई होय तो ओल्ड पेंशन सेति पई लोक चाहौ चंती जा आपण श्रुत प्रधान आलोचना करथले तो ये तो गोटी मुख्य कारण आ गोटी कथा जे ए यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार आनिबा परे सरकार को परे अर्थनीति भार अधिक बढ़िबो कि निश्चित रूपे एटा गोटे अनुमानिक जेंती केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिले यार अनुमानिक रेडियर पई 850 कोटी टंका रो माने एडिशनल बर्डन बढ़िबो आउ वार्षिक एटा प्राय 6,500 कोटी टंका रो आर्थिक बोझ केंद्र सरकार उपर पड़े कारण एटा एटा मॉडिफाइड द्वारा गोटे लोक उपकृत हेबे ता द्वारा जो जेमती कहला जे मिनिमम 10,000 टंका लेखा गोटे लोक पेंशन पाइब से कैटेगोरी किसी लोक आसबे देखो 60% जो फैमिली पेंशन को बढ़ा हेगला तो ता भीतर किसी लोक आसबे तो यही सब जिन गुडा करने केन्द्र उपर निश्चित आर्थिक बोझ बढ़ एटा आनुमानिक 6,500 कोटी टंका वार्षिक रही कहुच श्रुत प्रधान मोटामोटी कहवाक गले यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारी मानक बेस उपयोगी रही कि मु भाबुची सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ए जो स्कीम आसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानक पासी आ ए जो स्कीम रे बहुत लोक उपकृत हो बोली म कहू छी तो लोकों को मन रे गुटी डाउट रहू छी जे हुए तो जो आपण जानिथिबे कि चुक्ति भितिक चाकरी मध्ये करूछंती 6 वर्ष काल रहूची तो ताकू तो हिसाब रे धरा जीवनी किंतु बाकी जदि चाकरी समय काल देखा जीवो जे किछि किछि लोकनो 25 वर्ष रु कम समय रहूची तो सेमानको पई कोन एथिरे रहीची लोक एबे भी अपेक्षा रे रहिचंती त देखंतु एटी एटी रहिला पर 10 वर्ष जदि आपण मिनिमम काम करिवे ताले आपण पेंशन पई एलिजिबल हेगले तो आपण जेमते मते पचारले 25 वर्ष रु कम जो माने काम करचंती तमन से माने मिनिमम गारंटेड पेंशन जो 10,000 टका लगा जी से माने मासिक 10,000 टका लगा पाइबे तो जहाँ आप कहते हैं जेहेतु 10 वर्ष को मिनिमम 10 वर्ष हिसाब धरा जा 25 वर्ष रु जदि कम 10 वर्ष रु अधिक जन चाकरी काल जदि रोचे से सुविधा पाई तो श्रुत प्रधान आउ गोटे कथा जे आम देखु यूनिफाइड पेंशन स्कीम गत काली मंजूरी मिलवा पर तो अनेक आड़ आलोचना हो सरकारी कर्मचारी मध्य कई कई कहते नाई एनपीएस भल था आउ कई कहते यूनिफाइड पेंशन स्कीम भल था तो लोकों को भीतर ये जो बुझापणा मतांतर को आपण केमती देखुचंत प्रकृति लोक ठीक भाव बुझी ना कि स्कीम को ने देखंतु लोक लोक जो माने कंप्लेंट करछथि ताका पाखरे भी बड़ा ऑप्शन रहउछि एटा नय जे आपण कंपल्सरली समस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम रे कवर करिवे या पाखरे ऑप्शन भी रहउछि आपण एनपीएस भी रही पाइबे नले यूनिफाइड पेंशन स्कीम रे भी रही पाइबे तदनंतु मोर किछि ऑब्जेक्शन रहउछि जे मो हिसाब रे बा मो आर्थिक
प्लानिंग अनुसार मुझे भावुची मोर ओल्ड स्कीम टा मन कर भल था एनपीएस टा भल था मुझे स्कीम रही जो मैंने अप्ट करेंगे ना आम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जी से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के आसपे ये स्कीम टा लागू होगा मैडम 1 April 25 2025 पर ही लागू हम बर्तमान तार जो सब क्लीयर कट गाइडलाइंस हो सर्कुलर हो तार जो बेनिफिट हो सब जिन आसारा निश्चित जो मान को लगे ना आम पुणा को रही नुआ को जीवन से पुणा ही रही है जो मैंने चाहिए ना आम नुआ को ही नुआ रही है किसी असुविधा नहीं ये गोटे लोक सुविधा जे लोक ऑप्शन से एनपीएस कथा कहतु कि आपण यूनिफाइड स्कीम कथा कहतु बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रधान आम सहित सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जोड़ी होते सुधांशु प्रधान ये संपर्क में आलोचना करूथिले।